हेलो चिल्ड्रन, आप लोगों ने लेट्स स्पीक अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा इस वीडियो का, इससे पहले वाले वीडियो का। चलिए अब हम कुछ और एक्वेटिक एनिमल्स, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ अदर एनिमल्स के बारे में जानते हैं इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डॉल्फिन। ये देखिए DOLPHIN, डॉल्फिन, डॉल्फिन। देखिए आपके स्क्रीन पे डॉल्फिन, क्या बोलते हैं इसको? डॉल्फिन। WHALE, वेल, वेल। सबसे बड़ा प्राणी है इस जमीन पे, इस अर्थ पे, वेल, वेल मछली। कैसे बोलेंगे इसको आप? वेल। PENGUIN, पेंगुइन, पेंगुइन। कैसे बोलेंगे? पेंगुइन। ये देखिए पेंगुइन कैसा दिखता है, पेंगुइन। OCTOPUS, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। ये देखिए ऑक्टोपस, ठीक है। एक बार बोलिए मेरे साथ ऑक्टोपस। PRAWN, प्रॉन, प्रॉन, झींगा। इसको हम झींगा, ये भी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। झींगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉन, PRAWN, प्रॉन, प्रॉन यानी झींगा। OYSTER, ऑयस्टर, ऑयस्टर। ये ऑयस्टर पहचानिए अच्छे से, समुद्री जीव है, इसे ऑयस्टर कहते हैं। पर्ल मिलता है, मोती मिलती है इससे। SHARK, शार्क, शार्क, SHARK, शार्क, मछली, इंग्लिश में शार्क। ERTHWORM, अर्थवर्म, अर्थवर्म। केचुआ, ये देखिए केचुआ कैसा होता है, वर्म्स यानी कीड़ा, ओके। तो जितने इस टाइप के कीड़े होंगे वो हम वर्म लगा देंगे उसमें, अर्थवर्म। जमीन में पाया जाने वाला कीड़ा, जमीन के अंदर रहता है, मिट्टी के लिए बहुत, किसानों का दोस्त कहते हैं इसको। जमीन को फर्टाइल कर देता है, मिट्टी को पोला कर देता है, जिसमें उसमें एयर और वाटर जाने की जगह होती है, इसलिए अर्थवर्म जो है वो बहुत किसानों का दोस्त इसको कहा जाता है, अर्थवर्म। क्रिकेट, ये क्रिकेट गेम वाला क्रिकेट नहीं है बेटा, क्रिकेट झिंगुर रात में आवाज करता है, क्रिकेट। कैसे बोलेंगे? क्रिकेट, झिंगुर को इंग्लिश में क्रिकेट। लाइस, लाइस, जू, जिसे आप जुआ भी कहते हैं। सिर में अगर आपने बालों की सफाई नहीं रखी हुई है तो सिर में हो जाती है जुए, होते हैं जुए, है ना। और फिर बहुत ज्यादा जुए हो गए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, आपके स्कैल्प को नुकसान पहुंचाता है जुआ। इसलिए बाल हमेशा प्रॉपरली वॉश करिए, सफाई रखिए, कंघी कीजिए, एकदम बढ़िया रहिए, ओके। लाइस, ये देखो लाइस, ठीक है। आइए अब कुछ और देखते हैं। बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई, 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 तितली। पहचानते हैं आप अच्छी तरह से बटरफ्लाई, तितली। तितली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बटरफ्लाई। GRASSHOPPER, ग्रास हॉपर, हॉपिंग, उछलना, घास पे उछलने वाला टिड्डा, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। ये देखिए ग्रास हॉपर। हनी बी, HONEYBEE, हनी बी, हनी बी। मेरे साथ बोलिए हनी बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी, हनी बी। देखिए कैसी होती है हनी बी। ड्रैगन फ्लाई, DRAGONFLY, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। ये देखिए ड्रैगन फ्लाई। FIREFLY, फायर फ्लाई, फायर फ्लाई। जुगनू, टॉर्च लेके घूमता है अंधेरे में, फायर फ्लाई, जुगनू। ये जुगनू, जुगनू को इंग्लिश में फायर फ्लाई। एंट, बहुत कॉमन है, ANT, एंट, चीटी, चीटी को इंग्लिश में
एंट, बी ई डी बेड, बी यू जी एस बग्स, बेड बग्स, बेड बग्स, बेड बग्स, बग यानी कीड़ा, बेड यानी बिस्तर, बिस्तर में पाया जाने वाला कीड़ा, खटमल, खटमल को इंग्लिश में बेड बग्स, टर्माइट, टी ई आर एम आई टी ई, टी ई आर एम आई टी ई, टर्माइट, टर्माइट, लकड़ी की चीजों पे, लकड़ी की चीजों को अंदर से खोखला कर देती है, पेड़ों पे लग जाती है दीमक की मोटी परत, कोई लकड़ी गीली हो गई कुछ समय बाद में आप देखिए उसमें दीमक पकड़ लेगी, ये है दीमक, आप जानते हैं इसको, है ना, दीमक, ये देखिए कैसी दिखती है दीमक, टर्माइट, टर्माइट, दीमक। सिल्क वर्म, एस आई एल के डब्ल्यू ओ आर एम, एस आई एल के डब्ल्यू ओ आर एम, सिल्क वर्म, सिल्क वर्म, रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा, सिल्क वर्म यानी रेशम का कीड़ा जिससे रेशम बनाते हैं उस कीड़े के द्वारा। तो ये थे कुछ और एनिमल्स और कुछ एक्वाटिक एनिमल्स यानी जलीय जंतु। अब हमको इसमें भी वही काम करना है लेट्स स्पीक में, कि आपको यहां पे पिक्चर्स दिखाए जाएंगे और आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है कि वो कौन सी चीज है। जैसे ये आपके स्क्रीन पे पेंगुइन, पेंगुइन, वैसे ही और अभी एक के बाद एक चित्र आएंगे और एक एक बच्चा उसको खड़े होकर रिकॉग्नाइज करेगा कि ये इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलेगा कि ये एंट है कि बेडबग है कि कौन सी किस चीज का फोटो दिख रहा है, वो आपको बोलना है। और ये तब तक चलेगा जब तक कि लास्ट स्टूडेंट तक इस बात को खत्म नहीं कर लेता, उसके बाद ही आपका पीरियड एंड होगा। जो भी टीचर यहां मौजूद है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हर बच्चे को बोलने का मौका दें और बच्चे प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर पाए कोई चित्र। मैं एक बार टीचर को यह कहना चाहूंगी कि हमने काफी सारी चीजों को यहाँ पे दिखाया है, बहुत पॉसिबिलिटी इस बात की बनती है कि हमारे बच्चे एक बार में उसे ना समझ पाए। आपको अगर ऐसा लग रहा है इस लिस्ट को देख के कि कोई चित्र बच्चों के दिमाग से वॉश आउट हो गया है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दिखता कैसा है, आप रिवर्स कीजिए वीडियो को, उस पिक्चर पे ले जाइए जहां पे वो दिखाया है हमने और उसको बच्चों को अच्छी तरह से दिखाइए। आप पॉज कर दीजिए वहां पे और जब तक बच्चों के दिमाग में वो चित्र ना बैठ जाए तब तक आप रोक के रखिए, उसके बाद जब बच्चे अच्छी तरह से पहचान लेंगे तब आगे बढ़िए। तो लेट्स स्पीक खत्म करेंगे, उसके बाद ही आपकी कक्षा खत्म होगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।